थैंक यू सो मच मामा, आपको कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत थी? लेकिन मैं आपको और इस कॉफी को बहुत मिस करने वाली हूँ। इन फजूल की सेंटिमेंट्स में मत पड़ना। तुम बस एक चीज पर तवज्जा दो कि तुम अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। उसको उसको घर वालों से इतना दूर करना कि उसको तुम्हारे सिवाय और कुछ ना नजर आए। ओके बॉस। अच्छा वैसे तुमने अपना ब्राइडल ड्रेस ट्राई कर लिया ना? फिटिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं? हाँ वो तो मैंने देख लिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना महंगा ड्रेस आरिज ने ले कैसे लिया। बस जो ये मिडिल क्लास लोग हैं ना, इनकी जब इज्जत पे बात आती है तो फौरन जज्बाती हो जाते हैं और ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। वैसे जो बात है, आप इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। हाँ बिल्कुल, अब हुदा की बीमारी है घर वालों को खुश रखने की और आरिज को बीमारी लग चुकी है तुम्हें खुश रखने की। मेरी बस दुआ है कि मेरी बेटी शादीशुदा होकर बहुत मजे करे और हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच मामा, आप बहुत अच्छी हैं। सरवत, तुम बेटे की मेहंदी से आ रही हो या बेटी की रुखसती से? इस कदर परेशानी क्यों है तुम्हारे चेहरे पे? स्माइल, तने क्यों? मुझे बेटे की शादी हमारी मुआशी बदहाली का आयस लग रही है। अल्लाह ना करे माशी बदहाली का शिकार तो ना शुक्रे लोग होते हैं या फिर फजूल खर्च, और अल्लाह का शुक्र है हम दोनों में नहीं है। फजूल खर्ची तो हो रही है। ऐसी क्या फजूल खर्ची कर दी तुमने? हाँ सरवत, तो मुझे ये बताने की अभी सहमत क्यों कर रही हो? 3 लाख का जोड़ा, मेरे खुदा, इस कदर नमूद नुमाइश का जरिया बन गए हम? हाँ, और तो और बेटी का हक भी थमा दिया, मुझसे एक बार पूछ तो लेती। बेटी खुद को ससुराल के हिसाब से ढालती है या ससुराल उसके मुताबिक, सब कुछ उल्टा हो रहा है इस घर में। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे? अगर मैं अरेज को मना कर देती तो वहां एक नया हंगामा खड़ा हो जाना था। अरे बेटा डरा रहा है और माँ डर रही है, तुम्हारा डर और उसके इश्क का बुखार सड़क पे ले आएगा हमें। 3 लाख का जोड़ा, रिसेप्शन बैंक्वेट के 8 लाख रुपए, क्या हो रहा है इस घर में ये सब? ये खुदा, अब मैं पानी लेकर आती हूँ। हो रहा है इस घर में, क्या हो गया सबको?